हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम वाइस वर्मान नॉन यूनिवर्सिटी का फार्मासिस्ट का पेपर देखेंगे जिसमें हम टेक्निकल पोर्शन को देखेंगे इससे पहले हम वीडियो के पार्ट वन में एच के से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उन्हें सॉल्व कर चुके हैं आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है मेडिसिनल ऑयल्स आर स्टरलाइज्ड बाय बिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आपको बताना है जो हमारी मेडिसिनल ऑयल्स है वो कौन से मेथड से स्टर्लाइज की जाती है इसका जो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन सी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक मटेरियल इज स्टरलाइज्ड बाय आपको बताना है प्लास्टिक मटेरियल कौन सी रेडिएशन से स्टरलाइज होते हैं इसका जो हमारा राइट right आंसर है बी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज Narcotic drug and right answer for this question is option A, disergic acid derivatives. Next question is, Which of the following is the side effect of aspirin? And answer? All of these excess stomach acid uh, secretion, heartburn, or decreased blood platelets. is एसप्रीन के साइड इफेक्ट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टैबलेट कोटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एसिड प्रोटेक्शन इन स्टमक आपको बताना है विच uh, कि आप कौन सी टैबलेट uh, कौन सी टैबलेट कोटिंग रिक्वायर्ड होती है एसिड प्रोडक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए स्टमक में तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एंट्रिक कोटिंग सीवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया इज नोन एज इसका जो हमारा राइट आंसर है कुलिस एनीमिया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटो टो शुगर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय इसके लिए जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सेलिवेन ऑफ्स टेस्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिडिटी ऑफ फैट्स इज ड्यू टू और जिसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड वाइटामिन के डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द डिसऑर्डर इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी कास्टिक सोडा देखिए हमारी एच पी पी एस सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमीरपुर बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका ये आजकल फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपका जो बेकिंग सोडा होता है या कास्टिक सोडा होता है ठीक है कभी उनके केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं कभी आपके उनके कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आता है तो इसमें भी पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा को कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसोफिडेटा इज आपका इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रेजिन प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द यूज ऑफ सेमी पर्मीएबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी डायलिसिस टैबलेट इज फिल्म कोटेड विद इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रॉक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेल्यूलोस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैरासिटामोल इज अ डेरिवेटिव ऑफ इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी अमीनो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉस्फेट एंटीवायरल एजेंट इज और इसका जो हमारा राइट आंसर होगा फोर्टी का ऑप्शन डी फॉस्कनेट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ फॉस्फोमाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन एड मस्टर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नटमग न्यूटमग ड्रग इज ऑबटेन्ड फ्रॉम इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी फीमेल प्लांट विच वन ऑफ दिस ग्लैंड ज बोथ एंडोक्राइन एंड एग्जोक्राइन फंक्शन इसका जो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन बी पेंक्रियाज आर प्रेजेंट इन इसका जो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन ए बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज इसका जो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रॉन ये तो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि किडनी का बेसिक यूनिट क्या होता है नेफ्रॉन चूज द चूज अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी शू क्रॉल फेट हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो बिकॉज ये टेक्निकल पोर्शन है और जो जनरली हमने पढ़ा नहीं होता है इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है आप इग्नोर कर सकते हैं मेनली आपका फोकस क्वेश्चन पर और आंसर पर ही होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइसेंस फॉर कैमिस्ट शॉप इज इशूड बाय इसका जो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन सी स्टेट ड्रग अथॉरिटी स्केड एंड इंडिकेट्स इसका जो हमारा फार्मेसी मैंटाइल ऑयल ऑफ इसका जो हमारा राइट आंसर है फोर्टी नाइन का ऑप्शन बी पेपरमेंट लीफ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेपरवेर सोमनीफेरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्मूद मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंडोस्कोपी इज यूज टू इन्वेस्टिगेट एंड डायग्नोज इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी पेप्टिक्सर विच आई इन्फेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज पिंक आई इन्फेक्शन इसका जो हमारा राइट आंसर है ये तो आप सभी को पता होगा कंजक्टिवाइटिस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलेड डिसइंटीग्रेशन इन अ टैबलेट इज अ रिजल्ट ऑफ इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए लार्ज फोर्स ऑफ कंप्रेशन पेनिसिलिन जी इज आल्सो नॉन एज इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंजाइल पेनिसिलिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंगज कैरेक्टर इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड बाई इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी कंडक्टोमी इन रेडियो फार्मसी द टर्म रैम मीन्स इसका जो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन सी रोंटजेन इक्विवेलेंट मैन अ टर्म डिनोटिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ इज इसका जो हमारा राइट right आंसर होगा जीरोस्टोमिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वैक्सीन प्रिपेयर फ्रॉम अ पेशेंट्स ऑन इंफेक्शन इज कॉल्ड इसका जो हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी ऑटोजिनस वैक्सीन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी इज़ इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फोन थेरेपी पैसि इम्यूनिटी यूजली गिवस विच आर द फॉलोइंग प्रोटक्शन टू द पेशेंट इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म मेजर मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ्रो वाइब्रियो क्वेरा इज इसका जो हमारा राइट आंसर है क्वेरा हमारा मेनली वाटर से ही फैलता है ब्लड बैंक कम्स अंडर विच स्केड्यूल इसका जो हमारा राइट आंसर है सिक्सटी फोर का वो है हमारा ए एफ बॉगलर्स आर यूज फॉर विच एप्लीकेशन इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी यूरेथेरल वो कॉइन द टर्म फार्माकोगोनोसी इसका जो हमारा राइट आंसर है एनेथसडलर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्कोलाइड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज विच टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई टेनिस इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लिटमस टेस्ट वट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अश्वगंधा इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए

तो इसका जो हमारा राइट आंसर है बोथ एंड गोनोरिया अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑफ बी से अमाउंट डेट उस पर होती है सिग्नेचर डॉक्टर जो भी जिससे भी आपने प्रिस्क्रिप्शन ली है एंड सुपरस्क्रिप्शन भी होती है कैप्सूल नंबर जीरो जीरो कंटेन अप्रॉक्सि कैपेसिटी ऑफ ड्रग इन एम जी तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्स फिफ्टी शुगर कंसनट्रेशन एंड कोल्ड कंप्रेशन मेथड यूज इन प्रेपरेशन ऑफ तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सपोजिटरीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथो इड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एपिलेप्सिस विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लेवोडोपा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेम्फामिपसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी सॉरी टूबर क्लोसिस प्रोड्यूसड बाई विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मास्ट सेट एक्ट एज इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वैसोडिलेटर जिंक ऑक्साइड इज यूज एज इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एसटीजेंट वट इज द पी एच ऑफ ह्यूमन ब्लड इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवन पॉइंट फोर टू सेवन पॉइंट फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ के एम एन ओ फोर और इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इट इज डार्क पर्पर क्रिस्टल विद मेटालिक लस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट यूज एज एंटा एसिड इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड तो ये था नॉन यूनिवर्सिटी के फार्मास का टेक्निकल पोर्शन देखिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि जो लोग टेक्निकल फील्ड्स हैं या जो फार्मेसी जिन्होंने की है वही इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं आ, बाकी अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम